हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं ये कोलोकेसिया या अरबी के पत्तों की बड़ी या पात्रा इन डिफरेंट स्टाइल। तो चलिए इसे कैसे बनाना है देखते हैं। जनरली जब हम पात्रा बनाते हैं तो उसे पहले स्टीम किया जाता है एंड देन फ्राई किया जाता है, बट ये हम डायरेक्टली पकाएंगे इसे और हम इसे बहुत छोटा छोटा सा बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें लगने वाली है। तो ये मैंने लिया है बेसन, ये है चावल का आटा, नमक, तिल, हल्दी, खसखस, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्च, ये मैंने लिया है दही, और साथ में जो हमने कच्चा मसाला बनाया था ये वो है। मैं इसकी लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ में हमें लगेंगे ये जो कोलोकेसिया के लीव्स है या अरबी के जो पत्ते हैं ये। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो पत्ते हैं इनका ये जो थोड़ा मोटा पार्ट है ये निकाल लेंगे, ताकि जब हम इन बड़ियों को बनाएं तो ये खुले नहीं, क्योंकि अगर ये थोड़ा हार्ड रहेगा तो जल्दी से खुल जाएगी। तो ये इस तरीके से चाकू से इसे निकाल लीजिए, ये जितना मोटा पार्ट है सिर्फ उतना। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसकी जो यहाँ का और यहाँ के जो मोटे जितना पार्ट है वो सब निकाल लेना है। तो मैं सभी पत्तों का ये निकाल लेती हूँ इसी तरीके से। सो फ्रेंड्स, मैंने इन सभी पत्तों के ये जो पीछे के मोटा जितना सिरे थे ये निकाल लिए हैं। चलिए अब हम बेसन का घोल बना लेते हैं जिससे हम अपनी बड़िया बनाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी एक ही आप कटोरी या कुछ का भी यूज़ कीजिए सारी चीज़ों को नापने के लिए। ये मैंने लिया है 2 कटोरी बेसन, साथ में हम लेंगे इसी कटोरी से 1/2 कटोरी करीब चावल का आटा, अब हम इसमें डालेंगे करीब 1 से 2 चम्मच तिल, इसमें तिल का टेस्ट काफी अच्छा आता है। साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच करीब खसखस, अब इसमें जाएगा करीब 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अब डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही डालिए 1/2 चम्मच करीब हल्दी और करीब 1 चम्मच नमक, और हम लेंगे इस मसाले में से करीब 1 चम्मच मसाला, 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने इसका मसाला ले लिया है। ये मसाला बड़ी में काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है, साथ ही आप किसी भी दूसरी सब्जियों में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा दही, दही ये खट्टा है इसीलिए मैंने आमचूर पाउडर नहीं लिया है। अगर आपका दही खट्टा ना हो तो आप खटास के लिए थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल सकते हैं इसमें। इसे आप चाहे तो छाछ से भी भिगा सकते हैं, पर दही से मिलाने में इसमें एक बहुत अच्छा सा टेस्ट और स्मूदनेस आता है। इसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए। तो आप इसका पहले एक गाढ़ा घोल बना लीजिए ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अगर आप एकदम से पानी डालेंगे तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं, इसीलिए पहले अच्छी तरीके से स्मूद गाढ़ा घोल बना के फिर इसमें आप इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिए। तो ये जो हमने दही लिया था ये करीब हमको 1/2 कटोरी से ज़्यादा दही लग गया है, यहाँ देखिए। आप चाहे तो इसको पूरी तरीके से दही में भी मिला सकते हैं, या फिर आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए गाढ़ा घोल बन गया है। हमें इसे बहुत पतला नहीं करना है, बट ताकि हम इसे थोड़ा इसे लगा पाए पत्तों पे, एकदम थिक होगा तो लगाने में मुश्किल होगी।
बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है मैंने इसमें। और एक टिप याद रखिएगा, जब भी आप पत्तों को धोते हैं तो उनका पानी अच्छे तरीके से पोंछ लीजिएगा, वरना जब आप बढ़िया बनाएंगे तो वो उसमें पानी होने की वजह से बहुत पतला हो जाएगा घोल, ये जो हमारा घोल उसमें लगने के बाद, तो बढ़िया अच्छे से बंध नहीं पाएगी। तो ये देखिए, ये इस कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। साथ ही इसमें हम डालेंगे करीब आधा चम्मच गरम मसाला, जो मैं डालना भूल गई थी, सॉरी। आप इसकी खटास थोड़ा सा चख करके टेस्ट कर सकते हैं कि ये खट्टा है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खट्टा है तो आप इसमें थोड़ा और बेसन डाल के एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि ये खट्टा बहुत कम है तो आप इसमें आमचूर पाउडर मिला लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा बैटर तो रेडी है, चलिए हम बढ़िया बनानी चालू करते हैं। आप एक पत्ता लीजिए और उस पे इस तरीके से ये जो बेसन का बैटर है ये स्प्रेड कीजिए, ये देखिए इस तरीके से। और अब इसे इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। अब यहाँ पे भी थोड़ा बेसन लगा लीजिए और इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए रोल कर लीजिए। और ये देखिए, ये इस तरीके से, इसी तरीके से आप सारी बढ़िया बनाकर तैयार कर लीजिए। ये देखिए, ये पहले इस तरीके से मोड़िए, इस पे थोड़ा बेसन लगाइए, फिर ये दूसरी ओर से मोड़िए, इस पूरी तरीके से बेसन लगा के ये देखिए कितनी आसानी से ये बढ़िया बन जाती है। और अगर आपका ये जो घोल है पतला होगा तो ये बढ़िया खुलने लगेगी, इसीलिए आप बैटर की कंसिस्टेंसी जरूर ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, तो मैं इसी तरीके से सारी बढ़िया बनाकर तैयार कर लेती हूँ, फिर हम चलेंगे हमारे किचन में। और हाँ, एक ही बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो चिकना वाला जो ऊपर का पार्ट होता है उसे आप बेसन नहीं लगाएंगे, बेसन हमेशा हम पीछे साइड से ही लगाते हैं इन पत्तों में। सो फ्रेंड्स, आप इन्हें थोड़ा थोड़ा सा साइड से भी बेसन लगा दीजिए ताकि ये पैक हो जाए, और जब आप इन्हें पकाएंगी तो ये खुले नहीं, ये बाइंडिंग के लिए होगा एक तरीके से आप कह सकते हैं। इन्हें हल्का हल्का सा यहाँ बेसन लगा लीजिए इस तरीके से, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, बस हमें ताकि ये पैक हो जाए हल्का। सो फ्रेंड्स, ये हमारी बढ़िया बनके तैयार है, और जितना हमने बैटर लिया था उतने बैटर में हमारी करीब 34 बढ़िया बनी है। तो चलिए अभी हम बनाने की प्रोसेस चालू करते हैं। आप एक कढ़ाई ले लीजिए और उसमें आप तेल डालिए, तेल इतना डालिए कि आपकी जो नीचे की लेयर है बड़ियों की वो उसमें पूरी तरीके से डूब जाए। बहुत कम तेल से नहीं होगा, इसमें हमें थोड़ा तेल ज्यादा डालना होगा। अब इसमें इस तरीके से सारी बड़िया डाल दीजिए। इन बड़ियों को इस तरीके से रख दीजिए पूरी, अगर यहाँ पे नहीं आ रही तो आप इन्हें थोड़ी ऊपर तक भी रख सकते हैं, और एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं। सो ये हमने सारी बढ़िया रख ली है इसमें, अब आप गैस ऑन कर लीजिए और इसे लो फ्लेम पे ढककर पकाइए। ये चूंकि काफी पतली पतली है तो बहुत जल्दी पक जाती है, और इसमें हमें कुछ और पानी वगैरह डालना नहीं होता, ये अपनी ही भाप में या स्टीम में जो उन पत्तों और बेसन के साथ जो मॉइस्चर था उसके साथ ये पक जाएगी। सो फ्रेंड्स, 5-6 मिनट हो चुके हैं, अब तो आप इन्हें थोड़ा ऊपर नीचे कर दीजिएगा, क्योंकि जो नीचे वाली है अब वो पकने लगी है,
और कहीं हमारी ऊपर की बढ़िया कच्ची ना रह जाए, इसीलिए उन्हें आप थोड़ा इस तरीके से ऊपर नीचे कर दीजिए और बिल्कुल हल्के से कीजिएगा ताकि हमारी बढ़िया खुले नहीं। और वापस से इसे ढक लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये हमारी बढ़ियों को पकते हुए करीब 20 मिनट हो चुका है और देखिए इनका ये लाइट ब्राउन सा कलर हो गया है और ये अब पूरी तरीके से पक चुकी है। ये देखिए इस तरीके का इसका कलर आना चाहिए, अगर ये इस तरीके से। और चूंकि हमने इसे बिल्कुल धीमी आंच पे पकाया है तो ये काफी अच्छे से अंदर से भी पक चुकी है। अब मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ। तो चलिए हम इन्हें एक अच्छे से पॉट में सर्व कर लेते हैं। आप इन्हें इस तरीके से निकालिए ताकि आपका जो तेल है वो निकल जाए। जैसे कि ये इस तरीके का कोई चम्मच लीजिए, अगर उनमें थोड़ा बहुत तेल भी हो तो ये निकल जाएगा इस तरीके के चम्मच को यूज करने से। तो देखा आपने कितनी आसानी से बन गई विदाउट स्टीम किए ये बढ़िया, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। आप चाहे तो इसे एज अ सब्जी भी खा सकते हैं या एज अ स्नैक या नाश्ते की तरह भी आप इसे खा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।